अच्छा उस जादूगर के बारे में क्या पता चला आपको? बहुत खूबसूरत है। जादूगर? जादूगर खूबसूरत है? जादूगर के बारे में क्या पता चला आपको? एक्चुअली वो जादूगर जादूगर ही नहीं है, वो तो एक एक्स पुलिस वाला है। इसका मतलब जिसे हम पुलाव समझ रहे थे वो तो बासी कड़ी निकला। एग्जैक्टली जमकू, देखो ना, क्राइम करना और क्राइम के बाद कोई सबूत नहीं छोड़ना, ये इस बात की तरफ साफ साफ इशारा करते हैं कि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को अच्छी तरह से जानता है। उसने गुप्ता किराना स्टोर पर मेरे लिए जो लेटर छोड़ा हुआ था उसमें दो बातें साफ साफ लिखी हुई थी। पहली, धर्मों के हाथ की चाय पियो। धर्मों? धर्मों यहाँ बाहर कैंटीन चलाता था 2 साल पहले। और दूसरी बात लिखी हुई थी, अंग्रेजों के जमाने की घड़ी में टाइम देखो। और ये अंग्रेजों के जमाने की घड़ी कहाँ है? है नहीं, थी इसी कैबिन में थी आज से 2 साल पहले जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी। रुको मैं दिखाता हूँ। ये देखो घड़ी। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि वो यहाँ पर किसी और काम के लिए आता जाता हो और ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ही उसके कान पे पड़ गई हो। करेक्ट, ये बात भी मेरे दिमाग में आई थी, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये था कि उसने मानव और सुंदरी को ही अपना निशाना क्यों बनाया। हो सकता है कि उसके दिल के किचन में दुश्मनी की कोई खिचड़ी पक रही हो। दुश्मनी? मानव के साथ किसी की कोई दुश्मनी कैसे हो सकती है? खैर एनीवेज, मैंने इन्वेस्टिगेशन किया और पता चला कि जब मानव और सुंदरी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया तो एक एक्स पुलिस ऑफिसर था राकेश नाथ, उसके ऊपर एक फेक इनकाउंटर का केस चल रहा था जिसमें उसको 2 साल की सजा भी हुई, और इस सजा को दिलवाने में 3 लोग मुख्य गवाह थे, मानव, सुंदरी और बोस। एग्जैक्टली, बोस। लेकिन जब तक मुझे ये सब के बारे में पता चला बहुत देर हो चुकी थी। मानव सुंदरी किडनैप हो चुके थे और सिर्फ बोस बचा हुआ था। अरे लेकिन जब आपको पता था कि बोस का भरता बनने वाला है तो आपने उसे पहले क्यों नहीं बचाया? चमको कभी कभी मछली को पकड़ने के लिए दाना डालना ही पड़ता है। बस मछली को ऐसा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंटली जाके वो दाना खा लूंगी। ओवर कॉन्फिडेंस, जब क्रिमिनल ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो समझो उसका गेम ओवर हो जाता है। चमको तुम चिंता मत करो, वो खुद यहाँ उन 3 को अपने साथ लेकर आएगा। ते चूहा बन गए, उन घर का खर्चा कौन उठाएगा? चिंता मती ना करो भाभी जी, हमारे कमिश्नर साहब है ना, क्यों सर? अपन हेल्प करेगा। ओ तो ठीक है जी, लेकिन उन खाना कौन पकाएगा? हाय हाय। भाभी जी कमिश्नर साहब काई के काजे हैं, क्यों सर? हाँ पका देगी, हम पका देंगे, मैं खुद। ये घर किसको बना दिया? मैं ना पता सर। अरे तू तो इधर है, फिर ये घर कौन हो सकता है? ये तो गलत बात है गई सर, भरतपुर थे हम, अपने आप को गधा समझने के काजे थोड़ी हैं। खैरी तो है गई मजाक वाली बात, लेकिन सर सोचने वाली बात ये है कि वह जादूगर ने मानव सर जो है वो मोटे हते तो उनको बना दियो भैंसा, सुंदरी जी दिन भर पक पक करती हती, पकाती हती, उनको बना दियो मुर्गी। वो इधर उधर घुसता रहता है, चूहा बना दिया उसको, बचा कौन? डीजीपी सर। हाँ डीजीपी साहब, डीजीपी साहब ही गधा होगा, बात बात पे दुलत्ती मारते और हंसते भी कैसे है ना, देखा सेम ऐसे हंसता है। बाप रे बाप, ये भी ऐसे हंसता है, जरूर डीजीपी साहब है यार। सर साहब, मैं गधा हूं, अपने मुंह से कैसे बोलूं सब क्या गधे नहीं है। नहीं नहीं, मैं इसको देख के घबरा गया था, कहीं जादूगर ने आपको गधा तो नहीं बना दिया। ये केस सॉल्व होने दो, फिर देखो मैं तुमको क्या क्या बनाता हूँ। तुझे बाबा ये
यार ये मरवाएंगे। गोगोल ये क्या बेवकूफी कर रहे हो? सर मैं नाच रहा हूँ सर, आप भी नाचिए सर, बजा रहे हैं। क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम? वो क्या है, खुशी के कारण नाच रहा हूँ सर, क्योंकि जादूगर ने आपको गदारी पर रहा ना इसलिए। स्टॉप इट, स्टॉप इट। थैंक गॉड। सर आप नहीं हो तो ये गधा कौन है? साहब माफ करना, ये मेरा गधा है, गलती से अंदर आ गया। ले जाओ, ले जाओ। तुम्हारे गधे के कारण डीजीपी साहब मुझ पे भड़क गए। चल। गोगोल, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी तक जादूगर को पकड़ा क्यों नहीं? वो आया ही नहीं। आदि ने कहा है कि वो खुद यहाँ आएगा। आएगा तो मैं पकड़ूंगा, नहीं पकड़ूंगा तो मैं गधा। नहीं नहीं नहीं, डोंट से दैट। इंस्पेक्टर आदित्य, इंस्पेक्टर आदित्य, मुझे बचा लो। चार घंटे में भी आधा घंटा बाकी है। नाइस जॉब। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इसको बिल्कुल मत बचाना। आदि इस आदमी ने हमें बहुत टॉर्चर किया, अगर तूने इसे बचाया ना तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। दूर दूर ललिता, दूर दूर। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। अरे आप कैसे मर सकते हैं? आप तो इतने बड़े जादूगर हैं कि आप अपने जादू से इंसानों को भी जानवर बना देते हैं, तो कम से कम अपनी जान तो बचा ही सकते हैं। मैं कोई जादूगर वादूगर नहीं हूँ, मैं तो फॉर्मर इंस्पेक्टर राकेश नाथ हूँ। ओ जाके भुट्टो की भैंस। जादूगर तो एक ड्रामा था, ड्रामा। सुना? ये ड्रामा सब क्यों किया तुमने? क्योंकि हम सब जानवरों के बीच में उलझे रहे और पुलिस वालों को ढूंढने निकले नहीं। और इसके फेक एनकाउंटर केस में इसके खिलाफ जो हमने गवाही दी थी उसका ये हमसे बदला ले सके। लेकिन बोस को किडनैप करके इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसका सारा का सारा प्लान फेल हो गया, क्योंकि जैसे इसने बोस को छुआ वैसे ही इसका शरीर धीरे धीरे करके अकड़ने लगा, इसकी सांसें घुटने लगी, है कि नहीं मिस्टर राकेश? मुझे एंटीडोट दे दो, एंटीडोट। भटूरे जैसे शक्ल वाले इस जादूगर की झूठी कहानी में ये एंटीडोट का मसाला कहां से लग गया? चंकू जी क्या है ना, आदि सर ने मुझे किडनैप होने से पहले मेरे कपड़ों पे ऐसा ही केमिकल लगाया था जिसको छूने से आदमी की मौत हो जाएगी। अगर केमिकल के छूने से मौत हो जाती है तो फिर ये बोस अभी तक जिंदा कैसे है? क्योंकि सर आदि सर ने मुझे पहले ही एंटीडोट का इंजेक्शन लगाया था। मुझे भी एंटीडोट का इंजेक्शन दे दो। देखो मैं अपना गुनाह कबूल कर लूंगा, मैं सजा कर लूंगा, मुझे भी एंटीडोट का इंजेक्शन दे दो। चल जब तूने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया है तो एक राज की बात मैं भी आपको बता देता हूँ। आप ना मरने वाले नहीं हो, क्योंकि इस केमिकल से कोई मरता ही नहीं है। बस 3-4 घंटे के लिए आपकी सांसें उखड़ेंगी, आपका शरीर अकड़ेगा जैसे अभी अकड़ रहा है, और उसके बाद अपने आप नरम पड़ जाएगा, मतलब आप ठीक हो जाओगे। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुझे धोखा नहीं दिया, तूने हम सबको धोखा दिया। मैंने तो सिर्फ इंसाफ किया। अब देखो पुलिस का जादू। सालवी। यस सर। ले जाओ इसे अंदर। ओके सर। और चढ़ा दो इस पे अपना रंग। और एक बात मैं आप सबको बता देता हूँ, जादू जैसी कोई चीज नहीं होती, इट्स जस्ट इल्यूजन। करेक्ट। और अगर जादू जैसी चीज होती तो सबसे पहले ना मैं तुझे चूहा बनाता। ये बिना बात के फिर शुरू हो गए। आखिर ये दोनों है कौन? ये है पार्टनर। ललिता। ललिता नहीं, ललिता। वही बोला ललिता। देखो तुम हमारा बात सुनो। देखो जी मैं कुछ नहीं जान दिया, तुसी मैंने फिल्म दिखा रहे हो जी बस। अरे ललिता मैं ड्यूटी पर है। देखो ऐसा ड्यूटी छोड़ के ऐसा फिल्म देखने नहीं आ सकता है। 10 मिनट में थिएटर से बाहर मिल लो मैनु तुसी। ललिता तुम समझ, ललिता ललिता।
हाँ ये भी ठीक है यार, इसका भी काम कर ले। सर। अरे बोस क्या हुआ? ललिता। ललिता भाभी को क्या हुआ? डेंगू सर, उसको डेंगू हो गया सर, मुझे जल्दी से जाना होगा, मैं जाऊँ। डेंगू है वो कैसे? कुत्ते काटने से। ऐसा नहीं तो गलत बात है भाई, कुत्ता के काटने से डेंगू थोड़ी होवे, मच्छर के काटने से होवे। तो जब पता है तो पूछता क्यों है? ना हम तो जामारे पूछ रहे थे क्योंकि आज सवेरे हमने देखो भाभी जी को रास्ता में ऑटो वाले थे झगड़ा करते हुए, बेचारे के मोड़े में 5 झापड़ धर दिए सर, सिर्फ 5 रुपए ली के लिए, और श्राप दिए जो अलग उधर लक्ष्मी मार्केट में। रिया जी फालतू की बकवास बंद कर दे, अगर बोस कह रहा है कि भाभी को डेंगू हुआ है तो डेंगू हुआ है। और बोस तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ है, पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारे साथ है। रिया जी अरे क्या फायदा यार, जब भी तुमसे बोलता हूँ हम्बे करते हैं तो मैं खुद डॉक्टर भटनागर को फोन लगाता हूँ। डॉक्टर भटनागर? हाँ शहर के नंबर 1 डॉक्टर है, टॉप एकदम। अब फीस भी उनकी टॉपर टॉप है, लेकिन अपन ने उनकी उस केस में हेल्प की थी ना बॉस, तो हमको डिस्काउंट देंगे। सर सर छोड़िए ना सर, क्या डॉक्टर वॉक्टर को फोन कर रहे, क्या छोटे से मच्छर ने तो काटा है सर, ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा छोटे से मच्छर? तुम्हें पता नहीं है बॉस डेंगू कितनी खतरनाक बीमारी है, एक छोटे से मच्छर के काटने के चक्कर में आदमी की मौत हो सकती है। तुम करने दो यार मुझे मेरा काम, मैं डॉक्टर भटनागर को फोन लगाता हूँ, अगर डॉक्टर भटनागर से नहीं हुआ तो मैं अमेरिका तक फोन लगाऊंगा, अमेरिका के टॉप डॉक्टर गोगोल सर अपने गोगोल सर के बेस्ट फ्रेंड है, और अपने सीधा फ्लाइट पकड़ के भाभी को ठीक करने आएंगे। लेकिन इसके लिए मुझे कमिश्नर सर को फोन लगाना पड़ेगा। हाँ एक मिनट यार। नहीं 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 सर रहने दीजिए ना, कमिश्नर सर तो वैसे भी बहुत बिजी है, वो डीजीपी सर के साथ है। ये तो और भी अच्छी बात हो गई। अरे भाई डीजीपी सर को भी पता चल जाएगा ना भाभी की तबीयत खराब है, वो भी देखने के लिए आ जाएंगे, एक एक आदमी का पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जाएगा देखने के लिए। ब्रेक मारो, ब्रेक मारो सर, ब्रेक मारो। ललिता को डेंगू शेंगू कुछ नहीं हुआ है सर, क्या है उसको फिल्म देखने जाना था सर, मुझे फोन करके धमकी दे रही थी कि अगर मैं 10 मिनट में थिएटर नहीं पहुंचा ना तो वो तो मेरी बैंड बजा देगी, इसके लिए मैंने झूठ बोल दिया सर। लेकिन आप तो कमाल हो सर, डेंगू से आप कहां डीजीपी सर तक पहुंच गए। बॉस तुम्हें क्या लगता है मैं भी क्या भरतपुर से आया हूं? देखो बॉस मैं ना तुमसे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट हूं और इसलिए तुम्हारा सीनियर हूं, पर एक पुलिस वाले को ना चीते की तरह तेज और बास की तरह शार्प होना चाहिए, जो कि मैं हूं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं, तो मुझे बेवकूफ बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, समझे? तो दोबारा तुम क्या, तुम में से कोई भी कान खोल के सुन लो, ऐसी कोशिश भी मत करना, समझे? चलो अपना अपना काम करो, तुम भी। सॉरी सर। ये तो गलत बात है गई बॉस साहब, आदि सर ने तो आपकी पूरी पिक्चर बिगाड़ डाली, अब घर पहुंचो, बची कुची पिक्चर भाभी जी बिगाड़ेंगी, वो अलग। तेरी पिक्चर अब भी मैं बिगाड़ू? कैसे? ऐसे। हाय कोड़ी सिंह जी। चमकू तुम सोई नहीं अब तक? बस उसी की तैयारी चल रही है। वैसे आज आपने बहुत अच्छी क्लास ली बोस की, टीआईजी बता रहा था। बताओ ना यार चमकू, मतलब मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, अगर उसको अपनी बीवी के साथ जाना ही था तो मुझसे बस बोल देता, तुम्हें उसे जाने देता। खाना बना रहे हो? खाना बना रहा हूँ, उसके लिए झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। और चमकू अगर मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान होता ना तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं किसी रेलवे स्टेशन के बाहर बर्फ के गोले बेच रहा होता काला खट्टा बनाकर। ये भी सही है, आखिर इस कौन हो तुम? ये सवाल है, मैं आदित्य। अब ऐसे कमरे में कैसे घुसे चले आ रहे हो? चमकू मेरे पास मेरे घर की चाबी है और फुटप्रिंट्स। चमकू के घर का दरवाजा भी खुला हुआ है, ऊपर उठ। कौन है तू? ए रुक, भागने की कोशिश मत करना, सीधा गोली मारूंगा, भेजे में उड़ जाएगा। चल मास्क उतार अपना।
मैंने कहा अपना मास्क उतार। मेरी ओर देखो, तुम ठीक हो? हाँ ठीक ठीक हूँ मैं। ये क्या, इधर कैसे आ गए हम? अभी तक तो है ठीक भी और जिंदा भी, लेकिन इसके आगे इसका जिंदा रहना तेरे हाथों में है। अगर तूने हमारी बात मानी तो यहाँ से जिंदा बाहर जाएगा, और अगर नहीं तो दोनों सीधा जहन्नुम में। जहन्नुम? क्या चाहते हो तुम दोनों? कल तूने अपुन के दो लोगों को गिरफ्तार किया था, जग्गी और मन्नो, स्मगलिंग के इल्जाम में। उन दोनों को अभी के अभी छोड़ना पड़ेगा, अभी इसी वक्त, नहीं तो ये बॉम्ब फट जाएगा। बॉम्ब? बॉम्ब? मैं मरना नहीं चाहती। और तुम दोनों के इतने चिथड़े उड़ जाएंगे, शिनाख्त के लिए समेटना भारी पड़ जाएगा। जग्गी और मन्नू के लिए बात कर अपने लोगों से। महंगा था। अब तुम मेरी बात सुन, गलत आदमी चुन लिया तुम लोगों ने इस काम के लिए। अब धरती से तो क्या, पूरे ब्रह्मांड में से कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। तू अपनी सोच और ये बता कि हमारे लोगों को रिहा करता है या नहीं करता। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब यहां पर बैठ के अपनी मौत का इंतजार करो। ठीक 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 ठीक। दो मिनट में ये बॉम्ब फटेगा और तुम दोनों के चिथड़े हवा में तैरते नजर आएंगे। चल छोटो। चल भाई मोटो। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो यार? कोड़े सिंह जी, अब हम क्या करेंगे? चमकू, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक मिनट, अब से डेढ़ मिनट बाकी, हम क्या करेंगे डेढ़ मिनट में? मैं मर जाऊंगी। तुम एक काम करो कोड़े सिंह जी, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम छुड़ा लो अपने आप और चले जाओ यहाँ से। एक काम कीजिए, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए, तुम एक मिनट बचा है। मैं तुम्हें खोलता हूँ। चमकुर को कोड़ी सिंह जी, आप जाइए यहाँ से। कोड़ी सिंह जी प्लीज, जिद मत करो, आप चले जाओ यहाँ से, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। मरते हैं तो मरेंगे, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। बस कोड़ी सिंह जी, अब सिर्फ 20 सेकंड बचे, क्या कर रहे हैं आप? मैं बचा लूंगा चमकू, तुम चुप रहो। 8 सेकंड। चमकू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। 6 सेकंड बचे, मेरी बात उतने में हो जाएगी। 4 सेकंड बचे, लेकिन लव सिर्फ 3 ही है। 2 सेकंड बचे, कोड़ी सिंह जी जाओ। हाय, अरे बताओ। हंस क्यों रही हो तुम? क्या कर रहे हो कोड़ी सिंह जी, एक बार ढंग से देख तो लेते। मतलब ये सब कुछ एक मजाक था। अम्बे, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है कोड़े सिंह जी। हाँ, ये एक मजाक था, हम सब ने मिलके आपके साथ एक छोटा सा मजाक किया। अरे बोस कह रहे थे सुबह आपने उनका एक छोटा सा झूठ क्या पकड़ लिया, उसके बाद तो बिल्कुल हवा हवाई बन गए थे आप। हाँ, आदित्य देव से रजनीकांत बन गए थे, इतना बड़ा बोल लिया आपने।
कि मुझे तो कोई बेवकूफ कोई बना ही नहीं सकता। तो हमने कहा ठीक है भैया, आपका इंटेलिजेंस हम भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं हम भी कि क्या आप वाकई चीते की तरह तेज और बाज की तरह शार्प हैं भी या नहीं। लेकिन अफसोस, आप हमारे इस चाल में फंस गए कोड़े सिंह जी। अभी लगा था आप इतने इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन आप तो निकले ही नहीं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.